Hi guys, welcome to a new day and welcome to a new vlog. This is a fresh day and I'm starting with brushing my teeth and cleansing my face. Now after pat drying my face, I like to take one ice cube and just massage it because it helps in inflammation and thode bahut pimples agar ho jate hain to usko calm down karne mein bhi kafi help karta hai. Plus it helps in depuffing your face, your under eyes. And my main reason is it literally wakes me up. Next, I move on to my skincare. Now for skincare, firstly I'm using this Cosrx Snail Mucin. I have almost emptied this bottle. On top of that, I'm moisturizing my face using this Aqualogica's moisturizer. It is really good. I have dry skin, so it really suits me well. After that is done, I move on to my breakfast. And aaj breakfast mein the pancakes, which my flatmate made me while I was sleeping because this was a weekend. They were so fluffy and just so good overall. Done with my breakfast. It was really good, and I woke up very late, so it's almost lunchtime. Like it's 1. I'm thinking main abhi lunch bhi kar leti hu. Because lunch भी prepared है and then I'll carry on with my day because I have a lot of work to do. So you're gonna come along with me. जैसे मैंने बताया कि आज मुझे बहुत सारा काम है which includes a lot of staff सफाई. मैं आपको दिखाना भी नहीं चाहती इतना गंदा हो रहा है. But don't worry, you're gonna come clean it with me. So अभी मेरा ऐसा नहाने का मन नहीं कर रहा because मैं साफ करूँगी फिर गंदी हो जाऊँगी. So I was thinking to have lunch first and then I'll clean and then I'll take a shower because obviously I have to. लंच में मेरी फ्लैटमेट ने बनाया था हर्ब राइस प्लस सोया चंक्स की सब्जी. जब मैंने फर्स्ट टाइम हर्ब राइस ट्राई करा था खुद बनाकर, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था बिकॉज नॉर्मल राइस से काफ़ी फ्लेवरफुल होता है. विथ माई लंच नाउ आई हैव अ वीडियो टू एडिट. आई नीड टू री एडिट अ वीडियो एंड सेंड, सो आई एम गोना डू दैट. वो काफ़ी प्रायोरिटी वाला काम है. या सो आई वाज सेइंग दैट वो काफ़ी प्रायोरिटी वाला काम है, सो मैं वो करूँगी. उसके बाद थोड़ी सी सफाई करेंगे एंड देन वी विल सी हाउ द डे प्रोसीड्स. लेट्स डू सम पार्सल अनबॉक्सिंग. दिस इज नॉन स्पॉन्सर्ड. मुझे प्रोटच ने कुछ प्रोडक्ट्स भेजे थे. प्रोटच शार्क टैंक पे भी आए हैं एंड दे सेंट मी टू ऑफ देयर प्रोडक्ट्स टू ट्राई. सबसे पहले आई न्यू कि कौन से प्रोडक्ट्स थे बिकॉज दे आस्ट मी बिफोर सेंडिंग, सो आई ओनली सेलेक्टेड बोथ द प्रोडक्ट्स. सबसे पहले तो था ये स्किन लिफ्ट डिवाइस, बट मैं सेकेंड प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा एक्साइटेड थी तो मैंने स्किन लिफ्ट डिवाइस को खोला ही नहीं ढंग से. सेकेंड प्रोडक्ट वॉज दिस कोम. नाउ मैंने शार्क टैंक पे देखा था तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था मुझे एंड एवर सिंस आई वॉन्टेड टू ट्राई इट. नाउ दिस इज अ मसाजर कोम और इसमें तीन तरह की लाइट होती है, एक ब्लू और एक रेड और एक नॉर्मल लाइक वाइट लाइट. और मुझे हेड मसाजेस इन जनरल बहुत सेटिस्फाइंग और रिलैक्सिंग लगते हैं तो मेरे लिए प्रोडक्ट बहुत काम का था. मैं इतनी एक्साइटेड थी. पैकेजिंग भी दोनों प्रोडक्ट्स की काफ़ी स्टर्डी आई थी एंड ऐसा था ये कोम. इसके जो ब्रिसल्स थे वो प्लास्टिक के थे एंड मैं इतनी एक्साइटेड थी इसको ट्राई करने के लिए. दोबारा बोल रही हूँ, इट केम विद अ चार्जिंग केबल. मैंने इसको जल्दी जल्दी चार्जिंग पर लगाया एंड मी बींग मी, मैंने इसको 5 मिनट चार्जिंग पर लगाया होगा. तब तक मैंने मैनुअल पढ़ी इसकी कि कैसे यूज़ करें एंड मैंने 5 मिनट बाद चार्जिंग से इसको हटा दिया एंड थोड़ा सा चार्ज हो गया था बिकॉज पहले से चार्ज होके आया था. तब तक हम स्किन लिफ्ट डिवाइस भी खोलेंगे जब तक ये चार्ज हो रहा है. नाउ इसमें तीन तरह की लाइट आती है, रेड ब्लू और ग्रीन, और इसमें एक सोनिक वाइब्रेशन होता है और थर्मल हीटिंग. मैंने अभी तक इसको यूज़ नहीं करा है, बस मैंने इसको खोल के देखा था और चार्ज पे लगा दिया था बाद में. बट दिस इज़ व्हाट इट लुक लाइक एंड इट ऑल्सो केम विद अ चार्जिंग केबल. बट लेट्स मूव बैक टू आर मसाजर कोम एंड दिस वॉज वेरी ईजी टू यूज़. यू जस्ट हैड टू प्रेस द बटन. लॉन्ग प्रेस करना था आपको एंड ऊपर वाले जो बटन था, दो बटन है, उसमें से ऊपर वाले से लाइट चेंज होती है और नीचे वाले से वाइब्रेशंस चेंज होते हैं एंड इट वॉज सो रिलैक्सिंग. मैं इतना आराम आराम से कर रही थी एंड मैं लिटरली 5-10 मिनट तो करा ही है इसको, बट देन आई वॉज लाइक यार कैरीड अवे नहीं होते इसके साथ में, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू. सो आई स्टार्टेड ऑफ बाई क्लीनिंग ऑल द मेस दैट आई मेड बिकॉज वैन आई एम ओपनिंग पार्सल्स मेरे होशो आवाज़ नहीं रहते, मैं बहुत गंदगी मचाती हूँ. उसके बाद मेरे रूम में इतना गंदा पड़ा हुआ था, एक हफ्ते से मैंने ड्रेसिंग टेबल साफ़ नहीं करी थी. सबसे पहले मेरी मोस्ट यूज साइड टेबल को क्लीन करा मैंने अच्छे से एंड जो ड्रॉअर था उसके नीचे वो भी मैंने क्लीन करा. काफ़ी टाइम से क्लीन नहीं किया था मैंने उसको, अच्छे से उसको अरेंज करा मैंने. एंड ये जो इतने सारे केबल्स रहते हैं, वॉच का चार्जर, देन एयरपॉड्स का चार्जर, फ़ोन का चार्जर, उनको सबको ऐसे घड़ी बना बना के रखा. एंड देन आई मूव्ड बैक टू माय ड्रेसिंग टेबल जिसकी क्लेंजिंग बहुत ज़रूरी थी बिकॉज एवरीडे आई गो टू माय ऑफिस एंड मैं इसको इतनी गंदी तरीके से छोड़ के जाती हूँ. बट दिस इज़ व्हाट द फाइनल लुक लुक्स लाइक. काफ़ी क्लीन हो गई बट लेट्स सी कितने दिन चलती है. आई नो बहुत दिन नहीं चलने वाली बट जो भी है यही है अब. आई फाइनली टुक अ शावर. इट इज़
मोर देन 6 PM राइट नाउ एंड आई एम वेरी वेरी लेट. तभी मुझे खाना वगैरह खा के काम करना अच्छा लगता है, बिकॉज अगर मैं लंच नहीं की होती तो अभी तक मैं कुछ नहीं खाई होती. अभी मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ अर्जेंट है जो मुझे खत्म करना है, लाइक प्रेशर वाला, सो आई कैन फिनिश दैट आराम से. वैसे मुझे इस टाइम वाली धूप मिस करने में मजा तो नहीं आता है, बट अभी मेरी हिम्मत नहीं है, मतलब ऐसा कुछ मन नहीं कर रहा है बनाने का. और जब तक मेरा मन नहीं करता है अंदर से, तो मेरा वो कॉन्टेंट और वो एडिटिंग मेरी अच्छे से नहीं होती है. ऑल्सो लेट्स क्विकली हैव अ टॉक. आई वॉन्ट टू गिव यू गाइज अ फ्यू अपडेट्स अबाउट लाइफ एंड जस्ट लाइफ इन जनरल. सो आई हैव पोस्टेड फ्यू शॉर्ट्स रिसेंटली रिगार्डिंग माई ऑफिस ब्लॉग एंड ऑल, एंड यू गाइज रियली सीम टू एंजॉय दोस. एंड उसमें मैंने बताया था आई हैव चेंज्ड माई डाइट अ लिटिल बिट, सो आई वॉन्ट टू टॉक जस्ट अ लिटिल बिट अबाउट दैट. सो एवर सिंस आई हैव शिफ्टेड टू अ न्यू सिटी एंड आई प्रीवियसली यूज टू लिव इन अ पीजी, लाइक फॉर 1 year आई यूज टू लिव, इट वॉज अ पीजी कम फ्लैट. सो वहाँ पे कुक आते थे एंड आई डोंट यूज टू कुक एनी थिंग देर. आई थिंक एक साल में मैंने शायद 1 या 2 बार मैगी बनाई होगी किचन में जाकर, बिकॉज आई जस्ट डिडंट फील लाइक गोइंग इन द किचन एंड कुकिंग, बिकॉज द किचन वॉज नॉट नाइस एंड देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु वर अनहाइजीनिक. लाइक मैं कोई ओवर एक्टिंग नहीं कर रही हूँ, बट लिटरली वो लोग बहुत गंदे तरीके से रखते थे और फिर मेरा मन नहीं करता था कि मैं वहाँ कुछ बना के खाऊ. सो एवर सिंस आई स्टार्टेड ईटिंग अ लॉट ऑफ आउटसाइड फूड, लॉट ऑफ जंक, लॉट ऑफ दिस बर्गर ये वो, एंड इट यूज टू हैपन अ लॉट. एंड मुझे ऐसा लगता था कि मेरी बॉडी को तो लगता ही नहीं है, बिकॉज आई हैव बीन ईटिंग जंक सिंस 22 years एट दिस पॉइंट. बट देन समटाइम आफ्टर आई रियलाइज दैट यार नहीं लग रहा है, यू आर गेनिंग वेट, योर फेस इज गेटिंग फुलर, एंड देन आई कुड सी सम बेली फैट ऑल्सो. एंड इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ अनहेल्दी ईटिंग. अजीब सा शेड्यूल था सोने उठने का, एंड बिकॉज आई वॉज मैनेजिंग बोथ द थिंग्स, माई जॉब एंड दिस थिंग ऑल्सो, सो मेरे लिए बहुत हेक्टिक हो जाता था. एंड वट आई रियलाइज इज कि मेरी डाइट खराब है, उस चक्कर में मेरी बॉडी तो असर कर ही रही है, एंड माई फेस ऑल्सो स्टार्टेड गेटिंग लाइक पिम्पल्स एंड ऑल, अ लॉट ऑफ देम. सो आई डिडंट लाइक इट. एंड लास्ट ईयर आई विजिटेड अ डॉक्टर ऑल्सो एंड शी सेड दैट आई माइट बी हैविंग अर्ली साइंस ऑफ PCOS, दैट्स वाई दिस पिम्पल्स एंड ऑल. एंड शी टोल्ड मी कि ये ज्यादा कुछ नहीं है, मतलब यू डोंट हैव इट बट यू माइट गेट इट, सो यू हैव टू बी इन अ हेल्दी शेड्यूल. एंड आजकल आई डिडंट फ्रीक आउट बिकॉज PCOS PCOD इज लाइक वेरी वेरी नॉर्मल, आजकल हर किसी को होता ही है. बट देन आई डिसाइडेड कि थोड़ा तो मैं शेड्यूल चेंज करूंगी. नाउ सिंस आई हैव शिफ्टेड टू अ फ्लैट, आई डोंट थिंक मेरे पास कोई बहाना बचा है अब करने के लिए. आई कुक ऑन माई ओन, आई कैन ईट एज क्लीन एज आई वॉन्ट. सो अभी इसलिए मैंने स्टार्ट किया है टू लाइक ईट क्लीन एंड ज्यादा बाहर का नहीं खाना है. आई एम नॉट कटिंग डाउन एवरीथिंग बिकॉज आई एम ह्यूमन, मुझे कल ही मोमोज खाने की क्रेविंग हो रही है. इनफैक्ट मुझे मोमोज खाने की क्रेविंग 3 दिन से हो रही है, बट आई एम कंट्रोलिंग. मैंने कहा नहीं खाऊंगी मोमोज. सो इन द मीन टाइम आई विल हैव माई पाइनएप्पल व्हाइल आई टेल यू. फॉर स्टार्टर्स मैंने शुरू की है जिम. एंड क्या होता है, आप कितना भी हेल्दी खा लो या आप कुछ भी कर लो, सुबह जल्दी उठ लो, अगर आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो आप वेट लॉस या वैसे सब कुछ नहीं कर सकते, राइट? सो आई एम नॉट, फिजिकल एक्टिविटी डजंट ऑलवेज मीन जिम. आप अगर खाने के बाद रात में 1 घंटा डेली वॉक कर रहे हो, यू आर बर्निंग कैलोरीज, आप स्वेट कर रहे हो, एंड इफ यू आर डूइंग इट कंसिस्टेंटली, तब भी आपको फर्क दिखता है. बट वॉट हैपन विद मी इज मैं बहुत दिन करी भी हूँ, बहुत दिन स्किप भी हुआ है. सो मतलब आप समझो कि एक शेड्यूल नहीं था दैट आई वॉज फॉलोइंग. एंड अगर आपको बॉडी में कुछ चेंज करना है, यू नीड टू बी वेरी लाइक you need to be very very active towards it and you need to have a schedule. So that's why I joined gym. पहले I was thinking कि मैं manage नहीं कर पाऊंगी because already I have a lot of work to do and then gym भी मैं properly जाऊंगी तो कैसे होगा. जिम में मैं mostly cardio करती हूँ और core की exercises करती हूँ, जिससे ये अपना belly fat और lower abdomen में जो fat है वो कम हो जाए. So I have been doing it for like a week at this point. I am not on any sort of diet. I am just eating घर का खाना and I am trying to balance. Like rice थोड़ा सा कम कर दिया है मैंने and उसके अलावा दाल बढ़ा दी है. उसके बाद मैंने overnight oats खाने शुरू कर दिए हैं. पूरा सामान ले लिया है मैंने. मैं आपको recipe दिखाऊंगी उसकी एक आध बार जब मैं बनाऊंगी तो. So ये सब मैंने incorporate करे हैं changes. So if you are someone that is like that wants to lose weight और आपको motivation नहीं मिल रहा है, start small. अपना खाने पीने में थोड़ा सा ध्यान दो, वॉक पे जाओ. इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको जिम ही करनी है. देयर आर अ लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोस जिसमें आपको बेसिक घर की एक्सरसाइजेस मिल जाएंगी करने के लिए. जब मैं शुरू में जिम गई, मेरे कोर इतनी पेन हुई थी दैट मैं हंस भी रही थी ना तो मेरे को दर्द हो रहा था. बट देन दैट वॉज गुड काइंड ऑफ पेन एंड आई रियली लाइक दैट काइंड ऑफ पेन. बिकॉज मैंने 2021 और 22 में करीब 1 साल जिम करी है, तो मुझे पता है कि जब वो पेन होता है तो वो अच्छा वाला पेन है. आई मीन इट इज बर्निंग समथिंग इन योर बॉडी. सो आई वॉज रियली लाइक हैप्पी. शुगर भी मैंने थोड़ी बहुत कट डाउन करी है. पूरी तरह मैं नहीं कर सकती शुगर कट डाउन, बट हाँ धीमे धीमे करके मैं करूंगी. ब्लैक कॉफी पीना शुरू करी है मैंने. और ऐसा नहीं है कि मैंने पूरा जंक खाना छोड़ दिया है. ऑफकोर्स संडे आएगा सैटरडे आएगा आई वुड ईट बाहर का खाना, ऐसा नहीं है, बट बहुत फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी उसकी, राइट? वट आई रियलाइज इज इट इज नॉट अ बिग डील कि आप
थोड़े से हेल्दी हो या बहुत स्किनी हो, इट इज आपको कैसा लग रहा है. जब तक मुझे लगता था कि मेरी बॉडी सही है तब तक मैं खुश थी, मैं कुछ नहीं कर रही थी. बट देन जब आई रियलाइज कि नहीं यार, आई नीड टू वर्क समथिंग एंड इट इज नॉट मेकिंग मी फील हैप्पी, द क्लोथ्स दैट आई एम वेयरिंग आर नॉट मेकिंग मी फील हैप्पी, दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड टू लाइक वर्क ऑन माई सेल्फ. सो इट्स नॉट दैट कि देयर इज अ सर्टेन डिजायर्ड शेप. इफ यू आर हैप्पी इन योर बॉडी जस्ट बी इट, बट ट्राई कि आप थोड़ा सा वर्कआउट कर रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, दैट इज इट. मेरे हिसाब से बहुत ज्ञान हो गया आज की वीडियो के लिए. बट आई रियली वॉन्टेड टू डिस्कस जो भी मैं कर रही हूँ, बिकॉज मैं ऑलमोस्ट हर चीज शेयर करती हूँ, तो ये भी मैं शेयर करूंगी कि मैंने क्या चेंजेस लाए हैं और मैं कैसे काम कर रही हूँ. बिकॉज यहाँ पे कोई परफेक्ट नहीं है, मैं भी सीख ही रही हूँ बहुत सारी चीजें. जो भी मुझे लगता है कि अच्छी चीजें शेयर करनी चाहिए तो मैं करती हूँ. सो अभी तो फिलहाल इतना ही था, बहुत ज्यादा मैंने बोल दिया मुझे ऐसा लग रहा है. बट शाम हो गई है और ऐसा कुछ खास काम किया नहीं साफ सफाई के अलावा. अभी तो सबसे मेन है कि मुझे जिम जाना है. मैं 8:30 तक जिम जाती हूँ बिकॉज ऑफिस से आती 7:15 तक, तो उसके बाद एकदम से तो हिम्मत नहीं होती. आई नीड सम ब्रेक. एंड देन मी एंड माई फ्लैटमेट बोथ आर गोइंग टुगेदर, सो वो भी थोड़ा लेट आते हैं. शी कम्स अराउंड 7:45-8, सो थोड़ा सा हॉल्ट देके 8:30 तक हम लोग जाते हैं. सो आई विल टेक यू विद मी टुडे. Then later on I went to my gym, worked out for good time and काफ़ी ज़्यादा मैंने cardio की इस दिन and it was really really good and satisfying. Moving on to dinner, we made paneer paratha and हमारे पास काफ़ी टाइम से पनीर रखा हुआ था and मैंने आटा भी गूंदा. I am not a pro at this but I try and अच्छा था काफ़ी, मतलब डो तो. So दीदी इज मेकिंग पराठे एंड शी इज़ अ प्रो एट इट. डिनर काफ़ी मस्त था. मैंने 2 पनीर के पराठे खाए थे विद अचार एंड इसकी फीलिंग एकदम मस्त थी, एकदम स्पाइसी. Hi guys, good morning and this is the next day. Currently it is 8 AM in the morning and it is so unusual of me. It's a Sunday and I woke up at 8 AM. But I wanted to come up here and do the outro for this video. Sorry for the natural background noise. But that is it for this video. I hope you enjoyed watching this. If you did, then give it a big fat thumbs up. Subscribe to my channel if you haven't already. Follow me on my Instagram. This is my Instagram handle. And I'll see you super soon in my next vlog. Till then, bye toodles.